नमस्कार, मैं हूँ रोहिणी बैनर्जी और आप देख रहे हैं पिछले महीने मैं इस्तीफा दे आई थी। जब मैं टीवी रिपोर्टर थी तो मुझे हादसे बड़े पसंद थे, तो मुझे एक डिटॉक्स की सख्त जरूरत थी इस मीडिया सर्विस से, बम्बई शहर से और अपने आप से। फुल डिटॉक्स, डिटॉक्स मतलब तो किया पवन को फोन, पवन मेरा अच्छा खासा दोस्त, और निकल गए गोवा बहनों। लौटते वक्त हुई एक घटना, टायर पंचर इन द मिडल ऑफ नोवेयर रात के अंधेरे में। तो मैं वहाँ टॉर्च था, मैं खड़ी थी और पवन बेचारा टायर पे जैक घुमा रहा था कि उठने में एक सूमो की हेडलाइट हम पे पड़ी। हम दोनों की हालत उस हिरन जैसी हो गई थी जो हेडलाइट देखकर फ्रीज नहीं हो जाता। उतने में सूमो से तीन हट्टे कट्टे पट्टे नीचे उतरे और पूछा, मैडम कुछ मदद चाहिए? पवन ने तो हाँ कर दी। मैं वहां टॉर्च थामे खड़ी खड़ी कांप रही थी। मुझे तो अगले दिन का समाचार दिख रहा था ना, गोवा मुंबई हाईवे पर भूतपूर्व टीवी रिपोर्टर का सामूहिक बलात्कार। बट हुआ कुछ और ही, उन्होंने हमारी मदद की, टायर बदला, हमारे आगे चलाते हुए पेट्रोल पंप तक स्कॉर्ट भेजा। तब एहसास हुआ दुनिया उतनी बुरी नहीं जितनी हम जर्नलिस्ट को लगती है, और उससे कहीं ज्यादा जितना हम उसे टीवी पर दिखाते हैं। अब नौकरी छोड़ी है और इस डिटॉक्स के बाद लग रहा है कि जर्नलिज्म ही छोड़ दूं। दुनिया को एक नया नजरिया,